हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय केबुलस चैनल। इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक के लिए काफ़ी लोगों ने काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट किया था और मैंने इस पे वीडियो बना नहीं सका। और काफ़ी छोटा स्टॉक है ये, और 10 रुपये का स्टॉक है, जिसका नाम आप सभी को पता ही है। इसका नाम है सांवरिया कंज्यूमर, और ये एक राइस सेक्टर से बिलोंग करता है कंपनी। और भी इसके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, वो भी काफ़ी अच्छे इनके प्रोडक्ट डिमांडेड प्रोडक्ट हैं। तो उसी के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये स्टॉक कैसा रहेगा। ये काफ़ी सस्ता स्टॉक है और काफ़ी रिस्की कंपनी तो है ही, क्योंकि छोटी कंपनी है। तो ये फ्यूचर के लिए कैसा इसका रहेगा परफॉर्मेंस, और अगर हम इस इन्वेस्ट करते हैं इसमें तो हमारा इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, सेफ रहेगा या मल्टीप्लायर बनेगा कुछ सालों में, और कितने सारे पैसे मल्टीप्लाई करके। पहले तो इसने काफ़ी मल्टीप्लायर बन के दिखा चुका है और काफ़ी लोगों को इसका जो है कि पैसा बना चुका है स्टॉक। और फिर स्टॉक ने हाई लगाने के बाद कुछ नीचे आया हुआ अभी, तो उसी के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए जानते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा फ्यूचर में। तो चलिए वो जानते हैं हम लोग इसका डिटेल। तो सबसे पहले इसका आपको यहाँ दिखा दूँगा कि ये इसका जो सेक्टर है, इसके सेक्टर में काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, और राइस के अलावा और भी काफ़ी कुछ बनाती है कंपनी। तो भी मैं इसके वेबसाइट पर जाके मुझे एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा आपको। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, उम्मीद करता हूँ आपको फ़ायदा होगा। तो आपको जैसा कि पता है कि ये कंपनी करीब 10 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, और काफ़ी ये ऊपर से अभी नीचे आई है कंपनी। करीब 50% के आसपास इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल चुका है। अगर वही वॉल्यूम की बात करें तो ये कंपनी करीब इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 6 लाख के आसपास इसमें वॉल्यूम है। और अगर मैं यहाँ पे इसका 2 साल का चार्ट देखते हैं हम लोग, तो ये कंपनी में दो चीज़ हैं। आपको तो एक कंपनी ऑलरेडी मल्टी बैगर बन चुकी है, आप देख सकते हैं कि 2017 में ही ये स्टॉक 3 रुपये के आसपास था, और उसके बाद 2018 में ये जनवरी में करीब ये 33 रुपये हुआ, यानी कि अराउंड 20 गुना के आसपास एक साल में रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। तो एक बहुत बड़ी बात है ये स्टॉक के लिए कि 8 गुना 9 गुना 10 गुना एक साल के अंदर में 2017 से 2018 में ये कंपनी ने दे चुका है, और इसका हाइएस्ट रहा है ये स्टॉक। और दूसरा इसका प्लस पॉइंट है कि कंपनी डिविडेंड पे करती है, बोनस देती है, और इसमें न्यूज़ भी हैं। आप देख सकते हैं कि क्वार्टर टू क्वार्टर जो है कि 5.8% का अप है। तो अभी मैं इसका सारा डिटेल चेक करूंगा। एक बार मैं आपको चार्ट पे पूरा डिटेल समझाना चाहूंगा, यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बिल्कुल इस पर ऑनेस्टली रिव्यू दूंगा, ये नहीं कहूंगा कि इसमें जाके आपको इन्वेस्ट करना है। मैं आपका जो भी इसका ड्रॉबैक है और जो भी इसका प्लस पॉइंट है, सारे चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा, और डिसीज़न लेना आपको है कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा, आपका पैसा सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। तो आपको पूरा इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसमें ऑब्जर्व करें कि आपका पैसा इसमें कैसा रहेगा, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये ताकि कमेंट करके अपना सुझाव दें, ताकि जो भी इन्वेस्टर जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देखें उसको फ़ायदा हो कि इसमें इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा, आपके तरफ से आपका रुझान क्या है इसमें। तो आप यहाँ पर देखिए कि 2014 के आसपास में स्टॉक में 2014 से लेकर के 2017 तक स्टॉक में बिल्कुल फ्लैट था, कुछ भी मूवमेंट नहीं था, और स्टॉक जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ था। उसके बाद एक साल में काफ़ी अच्छा इसमें रिटर्न देखने को मिला। उसके बाद ये स्टॉक 33 रुपये से गिर करके आज इसमें जो लो बनाया था यहाँ पर 9 रुपये के आसपास था, इसमें जो 9 रुपये था वो 11 दिसंबर के आसपास 9 रुपये 35 पैसे के आसपास ये स्टॉक गिरा हुआ था। अब ये स्टॉक 10 रुपये के आसपास चल रहा है। ये कुल मिला के अगर सेंटीमीटर देखें तो यहाँ 77% बाई है और 13% सेल और 10% होल्ड का रुझान है मनी कंट्रोल का। अगर यहाँ से फंडामेंटल थोड़ा चेक करूँ तो जो इसका मार्केट कैप है 746 करोड़ का मार्केट कैप है, तो आपको पता चल जाएगा कि माइक्रो कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी है। और पी रेशियो जो इसका है, बहुत पी रेशियो के हिसाब से देखें तो अट्रैक्टिव है, 5.848 का पी रेशियो है। ईपीएस में देखिए 1.85 का ईपीएस ये प्रॉफिट दर्शाता है कंपनी का। और वहीं पे
आप यहाँ पे देखिए तो कंपनी की जो फेस वैल्यू 1 रुपये है और डिलीवरीज जो हो रहा है करीब करीब 46-47 के आसपास इसमें डिलीवरीज़ हैं, और वही इस इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है ऑलमोस्ट 14 के आसपास है। एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि जो कंपनी डिविडेंड दी थी वो कितना परसेंट है। आप देख सकते हैं कंपनी 5% के हिसाब से 2 बार डिविडेंड दिया था और 1 बार बोनस दिया था कंपनी ने। 1:1 रेशियो में 1 शेयर है तो आपके पास एक एक्स्ट्रा शेयर मिला था जो भी इनके पहले से इन्वेस्टर हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसका एक बार प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद इसका हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, इसका हम लोग ग्रोथ का बारे, रेवेन्यू के बारे में और इसके ऊपर जो कर्ज है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और उस पर इसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसमें कैसा रहेगा हमारा इन्वेस्टमेंट। तो ये देख सकते हैं ये कंपनी का जो मेन पोर्टफोलियो में जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट हैं इनके राइस हैं, दाल हैं, ऑयल हैं, शुगर, दलिया, मैदा, सूजी, बेसन, पोहा। तो इस इतने प्रकार के प्रोडक्ट्स इनके पोर्टफोलियो में आप एक एक करके देख सकते हैं। अगर मैं दाल के यहाँ राइस का मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे वैरायटीज़ के इनके पास राइस हैं, बासमती राइस हैं जो कि अच्छा खासा सेल है। और पता ये सांवरिया का एक और भी चीज़ है कि सांवरिया जो है कि पतंजलि के लिए भी प्रोडक्ट बनाती है, तो वो भी सारा चीज़ आपको मिल जाएगा अगर इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। अगर दाल पे जाके चेक करते हैं तो दाल का जो भी इनके वैरायटीज़ हैं वो सारा यहाँ पे मिल जाएंगे। उसी हिसाब से एक एक करके अपना ऑयल के वगैरह चेक कर सकते हैं, ऑयल में इनके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हैं सांवरिया ऑयल्स। तो इतने सारे हैं, आप सब एक एक करके इनके वेबसाइट पर जाके वो पता लगा सकते हैं। और तो चलिए मैं यहाँ पर सीधा इसके फंडामेंटल पर आता हूँ और कंपनी का जो मेन फंडामेंटल है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने म्यूचुअल फंड वालों का ट्रस्ट चेक कर लेता हूँ कि इस स्टॉक में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड हैं या नहीं है। तो चूंकि ये छोटी कंपनी है तो कोई भी म्यूचुअल फंड अभी इन्वेस्टेड नहीं है इसमें। तो फिर मैं चलते हैं हम लोग यहाँ पे सीधा डायरेक्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देखते हैं कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसमें प्रोमोटर है वो 64% प्रोमोटर का स्टेक है स्टेक में कंपनी में, और यहाँ पे सारे प्रमोटर हैं, कोई भी पब्लिक शेयर होल्डर नहीं है इस स्टॉक में। तो यहाँ पे उसके बाद सीधा हम लोग चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल में और वहाँ से हम लोग पता लगाएं कंपनी का रेवेन्यू, डेट वगैरह कैसा है, कंपनी का रिजर्व ईपीएस वगैरह कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का मैं यहाँ पर कंसोलिडेटेड एक बार ओपन करता हूँ, कंसोलिडेटेड में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, स्टैंडअलोन में हम लोग चेक करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप जैसा कि 2013 से इसमें इन्फॉर्मेशन है अभी तक का, तो 2013 में आपके सामने यहाँ पे डेटा खुला हुआ है। 2013 में कंपनी ने 1968 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 2458 करोड़, 2644 करोड़, 2695 करोड़, 3512 करोड़, 5054 करोड़। ये मार्च 18 तक का था और इस साल के 3 क्वार्टर का भी 5186 करोड़ है। तो रेवेन्यू में आपको देखने को मिलेगा कि रेवेन्यू में कंपनी ने ड्रॉप नहीं हुआ, डाउन नहीं हुआ है, रेवेन्यू में हमेशा कंपनी आगे बढ़ते गई है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। अब दूसरा चीज़ हम लोग चेक करते हैं इसका प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट में जहाँ मार्च 2013 में कंपनी 20 करोड़ 20.5 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था, उसके बाद 2014 में 24 करोड़ 25 करोड़ और यहाँ 2016 में इसमें प्रॉफिट में इनका डाउन हुआ था तो यहाँ पे 15 करोड़ के साढ़े 15 करोड़ के आसपास था। उसके बाद फिर प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट यहाँ दर्ज किया था, लगभग डबल से भी ज़्यादा कर दिया था, यहाँ 43.68 करोड़ का था यहाँ पे। उसके बाद सिर्फ उसका ऑलमोस्ट डबल के आसपास इसने 2018 में प्रॉफिट दर्ज किया, 84 करोड़ यहाँ पे देख सकते हैं 84.69 करोड़ का था। और उसके बाद इस साल 3 क्वार्टर का इसमें देख सकते हैं 136 करोड़, 4 लाख का इसमें प्रॉफिट दर्ज किया है। तो प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इसमें देखने को मिल रहा है, कहीं कोई निगेटिव प्रॉफिट नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, लॉस में कभी गई नहीं है। अगर मैं 2013 से 15 इस साल 19 तक आप कह सकते हैं
इस साल के क्वार्टर तक कह सकते हैं, दिसंबर क्वार्टर तक कह सकते हैं, इसमें सितंबर क्वार्टर तक कह सकते हैं। आप देखिए इसमें कहीं भी लॉस में नहीं गई कंपनी, तो हमेशा प्रॉफिट में रही। अब चलते हैं हम इसके रिज़र्व, तो कंपनी 2013 में 220 करोड़ के करोड़ इसके पास रिज़र्व पैसा था, वो बढ़ करके 383 करोड़ का रिज़र्व पैसा है। वहीं पे शेयर होल्डिंग फंड अगर देखिए तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग फंड है 456 करोड़ का शेयर होल्डिंग फंड है। तो यहाँ तक कंपनी प्लस पॉइंट में आपको देखने को मिला, हर एक पॉइंट इसमें पॉजिटिव देखने को मिला, लेकिन एक चीज़ जो निगेटिव है वो यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर देखिए कंपनी 2013 में 404 करोड़ का इसके ऊपर कर्ज था, वो कर्ज सीधा 2014 में डबल के आसपास हो गई, डबल से ज़्यादा हो गई, 977 करोड़। उसके बाद फिर कंपनी ने कर्ज़ को घटाया 791 करोड़। उसके बाद फिर कंपनी ने के ऊपर कर्ज बढ़ा 850 करोड़। उसके बाद फिर कर्ज बढ़ाया 993 करोड़। और उसके बाद अभी तक इसके पास 990 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो जो इसका शेयर होल्डिंग है, उसका शेयर होल्डिंग फंड है, और ये जो डेट है, तो डेट रेशियो में इसका जो है कि सही नहीं बैठता बिल्कुल। डेट रेशियो ज़्यादा से ज़्यादा 1 का रेशियो होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 से ज़्यादा है। तो ये खतरा है इस स्टॉक के लिए, काफ़ी कर्ज है इसको इस ऊपर। तो यहाँ पे एक ये ड्रॉबैक है कंपनी का, जिसके वजह इसके जिसका जिसके वजह से स्टॉक पे आपको दबाव देखने को मिल रहा है। वहीं पे ईपीएस की बात करते हैं, तो ईपीएस आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी 2013 में 0.3 का ईपीएस था। उसके बाद ईपीएस में यहाँ पे 3 साल ठीक ठाक देखने को मिला, उसके बाद ईपीएस यहाँ डाउन हुआ था। आपको आगे भी इससे पहले भी मैं दिखाया था, यहाँ पर प्रॉफिट में भी कम आया था, और उसके बाद फिर ईपीएस बढ़ करके 1.85 का ईपीएस रहा। तो ये रहा आज का सांवरिया कंज्यूमर, इसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि आपका पैसा सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, और ये स्टॉक आगे चल के मल्टीबैगर बनेगी या नहीं बनेगी, आप खुद अपने विजडम से डिसीजन लें और एनालिसिस करें, और किसी कहने पर डायरेक्ट इन्वेस्ट ना करें, खुद के एनालिसिस के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।